बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी कल की तरह मैच जारी है, वरना कल से जो मैचेस शुरू होंगे वो 7 बजे शाम को होंगे, लेकिन आज नेशनल स्टेडियम कराची का मैच रात 8 बजे शुरू हुआ और कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो इफ्तिताही तकरीब हुई उसकी वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची किंग्स की टीम पेशावर जलमी के मद्दे मुकाबल है और आज पेशावर जलमी के कॉडमोर ने क्या बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की, 92 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से उन्होंने स्ट्रोक खेले और बिल्कुल बेबस करके रख दिया कराची किंग्स की मजबूत बॉलिंग लाइनअप को। मोहम्मद आमिर जो दावे कर रहे थे कि मैं जो वापस पाकिस्तानी टीम में आऊंगा, लेकिन आज उनकी बड़ी पिटाई हुई। उनके अलावा बाबर आजम ने भी आज भरपूर अंदाज से साथ दिया कैडमोर का और उन्होंने भी निस सेंचुरी बनाई, तो 200 रन का टारगेट इस वक्त मिला है कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर जलमी की टीम को। और 13वें ओवर का खेल जारी था, 111 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना लिए पेशावर जलमी ने और तजुर्बाकार शुएब मलिक क्रीज पर मौजूद है। क्या वो नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाएंगे, ये भी देखना होगा। शायकीन की नजरें इस मैच पर मरकूज है, क्या नतीजा होता है, क्योंकि मैच जारी है हम मैच पर भी बात करेंगे। और हमारा वही पैनल जो कल हमारे साथ मौजूद था, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके अलावा पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक। ये तो क्रिकेट के हवाले से अपनी राय का इजहार करेंगे। और हमारे दाएं जानेब 3 कॉमेडियन मौजूद हैं, उज्मी जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बरकत और उज्मी की, जिस तरह अब तो आजकल कॉमेडियंस की जोड़ी बड़ी मशहूर हो गई है ना, कि जोड़ी होती है तो फिर काम बनता है, तो अभी इनसे पूछेंगे कि अगर ये जोड़ी टूट गई तो फिर क्या होगा। तो अब उज्मी हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ मौजूद है खान साहब, पेशावर जलमी के सपोर्टर। आज तो इस गर्मी में खान साहब ने ये कैप जो लगाई हुई है, जो इससे लगता यही है कि आज खान साहब का दिमाग और गर्म होगा जब जीतेगी पेशावर जलमी की टीम, क्योंकि इस वक्त पेशावर जलमी की पोजीशन जो है वो खासी मुस्तहकम है। और उनके साथ बैठे हुए हैं बरकत अली, और बरकत साहब लगता ही है कि सीधा शादी से यहाँ तशरीफ ले आए। अब ये अलग बात है कि शादी से आए, अकीके से आए या सालगिरह से आए, इनसे हम खुद पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा था, लग रहा जनाजे से आए। हाँ वो, लेकिन ऐसे अच्छे कपड़े पहन कर नहीं आ सकते, वो वहाँ तो सोख के लिए गए होंगे, लेकिन इनसे अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम मैच के हवाले से बात करते हैं और अहमद शहजाद से शुरू करते हैं। अहमद, 200 रन, और जिस तरह हम 5 बजे बात कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद बैटिंग करेगी, इस तरह जो टॉस जीतेगी दूसरी टीम को खिलाएगी, तो आप क्या समझते हैं जिस तरीके से टॉस जीतकर आज कराची किंग्स के खिलाफ जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी आज जो पेशावर जलमी ने? आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दूसरों को अंदर डालेगी, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है और ड्यू फैक्टर भी ऑफकोर्स जेन में होगा उनके। जो सबसे गलत चीज़ हुई है कराची के लिए वो ये हुई है कि पिच बहुत ही फ्लैट था, कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी बैटिंग के लिए, अंडर लाइट्स यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट एक ओवर तो स्विंग हो गई होगा। लेकिन अगर आप आमिर को देखें, अभी जिस तरह BPL में वो बॉलिंग करके आए हैं, उनका 2 से 3 ओवर प्रॉपर स्विंग होता था। आज उनका पहला ही बॉल एंगल के साथ बाहर जा रहा था, जिसके वो लाइनअप किया हारिस ने, उन्होंने दे दिया। दूसरा बॉल भी स्विंग नहीं हुआ, जो बाबर को भी था आगे, इसलिए वो फेंकी जा रहे थे क्योंकि पहला ओवर है, वो हमेशा आउट करने के लिए जाते हैं और लेफ्ट आर्मर वो अपनी स्विंग को बहुत ज्यादा उस पर रिलाय करते हैं। बाबर को भी वो जो चौका उसने ड्राइव पे मारा वो अंदर नहीं आया, और उसके बाद उसने इशारा किया इमाद को कि अंदर नहीं आ रहा। तो इट शोज कि कितना परफेक्ट बैटिंग कंडीशन विकेट था। लेकिन बड़ा कलामी भी अच्छा बॉलर, तो अपने आप को उस कंडीशन से मान सकता है। वो कोई, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहला ओवर था, वो उसको चांस लेने गया, इट्स ओके। लेकिन जो टेरिबल चीज हुई पेशावर के लिए कि देव लॉस्ट कपल ऑफ विकेट अर्ली, जो कि उनको बहुत धचका लगा था, और वहां पे कराची किंग्स इस तरह की कंडीशन में, उनको भी पता था कि उन्होंने अच्छे 2 आउट कर लिए थे, लेकिन जिस तरह ये खेले हैं TKC, आई थिंक उन्होंने पूरी गेम जो है कराची से वो दूर ले गए ऑन इज होन। उन्होंने नहीं देखा कि मैं अभी क्रीज पे आए हैं कि उनको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। उन्होंने पहले बॉल से इंटेंट शो किया, जिस तरह इमाद को 3 बॉलों पे 3 छक्के उन्होंने मारे, और थ्रू आउट उन्होंने अपने माइलस्टोन्स का इंतजार नहीं किया, जिस तरह अटैक किया। आई थिंक बाबर के भी जो सर से प्रेशर था बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर बाबर को भी अर्ली ऑन देखेंगे, उनका स्ट्राइक रेट भी उस तरह हाई फाई नहीं था। मेरे ख्याल से 39 या 38 बॉल्स पे उन्होंने भी 50 किए हैं, और ये बड़े बैटिंग फेवरेबल पोजीशन बॉल्स पे 68 किए बाबर। उसके बाद जो आखिरी 6 बॉल थे बाबर के, वो उन्होंने 147 का स्ट्राइक रेट था। तो
जो आखिरी छह बॉल थे बाबर के उसमें उन्होंने बाउंड्री स्ट्रक करके वो स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके गए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरह कराची किंग्स ने बॉलिंग की है आज, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मायूस होंगे अपनी बॉलिंग कंडीशन। खुर्रम, जिस तरह की बैटिंग की टॉम कॉलर, कैडमोर, टीकेसी, और इनका ताल्लुक जो है इंग्लैंड से है, कैंट से खेलते हैं, मुख्तलिफ लीग में हिस्सा लेते हैं, पहले भी ये खेल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में आकर, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। हालांकि दूसरे ओवर में 16 रन के स्कोर पर दो विकेटें गिर गई थी। हम तवक्को कर रहे थे कि सायम अयूब जो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था डोमेस्टिक में आज कुछ करेगा, लेकिन बदकिस्मत रहा कि रन आउट हो गया गेंद हाथ से टकराकर बॉलर के मीर हमजा के गई। और उससे पहले हारिस ने जिस तरह से शुरू किया था लग रहा था कि अगर उसके लगते रहते, लेकिन वो भी आउट हो गया। आप इस सिचुएशन में जो पार्टनरशिप हुई 139 रन की, इस पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली मैंने आपको पहले शाम वाले सेशन में कहा था कि कल के मैच से जो गलतियां हुई हैं वो आज के मैच में आपको उसका शेडो दिखेगा, और सेम वही हुआ। जिस तरह कल पार्टनरशिप डेवलप हुई मगर फिनिश नहीं हुआ, आज पार्टनरशिप लगी तो टिल वो फिनिश करके गए, इसलिए 200 गए। मैंने आपको पहले बोला था जो अच्छी टीमें होंगी अपनी मिस्टेक्स कम करेंगी और जो दूसरे कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखेंगी। आज पार्टनरशिप का गेम था, सही है टॉस हार गए, आपके हाथ में टॉस है ही नहीं। पिच का बिहेवियर, एम्पायर का डिसीजन, वेदर और टॉस, ये चार चीजें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है ना प्रोफेशनलिज्म, वो आज यही लगा जिस तरह वो हिटें मार रहा था, जिस तरह उसने डोमिनेट किया, खासतौर जिस तरह इमाद के ऊपर उसने अटैक किया, उसके बाद उसने पीछे पलट के 3 ओवर्स में 42 रन दिए। बिल्कुल ऐसे ही था। और अहमद की बात को मैं रिपीट करूंगा जो उसने बोला था कि जब स्पिनर के हिट लगना शुरू होगी तो छुपाना मुश्किल हो जाता है, तो सेम कराची के साथ आज यही हुआ। जब हिटें लगना शुरू हुई है तो इमरान ताहिर आज थोड़ा टच में नहीं लगे, जिसपे इन पे डिपेंड बहुत ज्यादा कर रहे थे। 4 ओवर में 40 रन दिए इमरान, और वो फील्ड में भी ऑफ कलर लगे। हाँ। उनसे एक कैच भी ड्रॉप हुआ, 2 ओवर थ्रो की उन्होंने, एक बॉल पकड़ लेते वो भी मिस हुआ। आज अच्छा दिन नहीं था इसका मतलब, जबकि इमरान ताहिर बहुत अच्छे फील्डरों में शुमार होते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्राउंड बहुत अच्छा होता है, मगर वही वाली बात है कि उन्होंने कम मिस्टेक्स की, इसलिए उन्होंने ये इतना अच्छा टोटल किया, और ये जरूरी है। मैच अभी चल रहा है, अगर यहाँ पे एक पार्टनरशिप जिस तरह अभी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, ये अगर एंड तक जाएंगे 40 गेंदों पर 80 रन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ओवर 20 रन। और शोएब मलिक जैसा सीजन कैंपेनर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, वही इंडिया एंड बात आ गई, 1 ओवर 20 रन का जाएगा मैच टर्न हो सकता है, ठीक है। माहम मोहम्मद आमिर, उनकी बॉलिंग से लोग बड़ा तवक्को कर रहे थे, बीपीएल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा बड़े इन फॉर्म थे, लेकिन आज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, क्या कहेंगी आमिर की बॉलिंग के हवाले? आई थिंक जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं बीपीएल में सबने देखा है, काफी अच्छा सीजन उनका रहा है, लेकिन आज वो थोड़ा ऑफ ट्रैक नजर आए। कुछ वेवर्ड बॉलिंग भी उन्होंने की है, मतलब वो जिस लेवल के बॉलर हैं उस तरह की उनसे आज बॉलिंग समहाउ शायद हो नहीं पाई, और उनको कुछ स्विंग भी नहीं मिला। नो डाउट बहुत फ्लैट विकेट्स है, बट जिस तरह जलमी के भी बॉलर्स बॉलिंग करें वो राइट एरियाज में बॉलिंग करें, तो आई थिंक अगर कराची की टीम थोड़ा अकॉर्डिंग टू द फील, अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉलिंग करती तो थोड़ा ये कि उनको कम मार पड़ती, बट जिस तरह बाबर आजम ने और कॉडमोन की जो पार्टनरशिप लगी है वो आई थिंक 139 की बड़ी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, और आई थिंक ये इंटेंट जो शो किया जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि आप सेट होके उन्होंने एक्सेलरेट किया है। हाँ। उन्होंने सिंगल डबल नहीं किया, उन्होंने शॉट्स मारे। बाबर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो टीम छोड़कर दूसरी टीम की तरफ से खेलने और उनका क्रीज पर खड़े होना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब वो कोहली कॉडमोर आए थे तो बाबर उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे और वो मार रहे थे। बिल्कुल, काफी ज्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी और बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, ये नहीं कि आते साथ ही वो बस चला रहे हैं जो गलतियां बैटर्स ने पहले की थी, उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले और पार्टनरशिप लगाई और लेके चले पूरा मैच को। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही हैं सर, बिल्कुल गंजे। आप कैसे हैं खान साहब? कहाँ से आए हैं? खैबर मेल में बैठ कर आए या पैदल आए? ये खैबर फीमेल में बैठ गए हैं। खैबर फीमेल में बैठ गए हैं। ईमेल ये कराची, अभी हम कराची में रहते हैं ना। अच्छा, कहाँ कहाँ पर रहते हैं? अभी कराची में हम नेशनल स्टेडियम के पास ही रहते हैं। अभी तुमने मैच देखा? देखा। कराची में आप लोग ही रहते हैं? सब कराची वाले तो या तो बाहर है या अंदर। नहीं खान साहब, मेहनत कश लोग हैं, इनको सलाम है। हाँ हाँ, सलाम वाले, सलाम सलाम है। ये आपने नाक के नीचे कारपेट बिछाया हुआ है कि जूता साफ करके अंदर जाऊंगा? नहीं नहीं, पहचान, ये हाईवे हाईवे। थोड़ी देर बाद कहीं आपका मुंह ना साफ करते, जरा बच के रहिएगा। भाईजान साहब, कहता हूँ ये कटमोर जो यूसुफ नहीं है और निशम शिंगवरी है ना, इनके लिए तो सबसे पहले आपको सब शिंगवारी यूसुफ नहीं नजर आते कोई आपको? उसका ये कटमोर का पीछे खानदान जो है अब्बा अजदाद, इनका जो है यूसुफ जई पठान है, वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। आप इनसे पूछो,
पड़ोस में रहते थे आप? नहीं नहीं, लेकिन ये उन्हें पता ही होगा, उन्हें तो सबके बारे में पता है यार। आपको पता नहीं है किधर पैदा हुआ? कैंट में पैदा हुआ था। देखा, कैंट स्टेशन में नहीं हुआ। इंग्लिश काउंटी कैंट, खानदा के ई एन टी कैंट कैंट। हमारा कैट, हमारा तो कैट स्टेशन सुने हमने। अच्छा ठीक है, तो आप इधर ही रहते हैं, हमको पता नहीं। खैबर मेल से आए आप? आज नहीं, ये इधर इसका ये यूसुफजई पठान है और दूसरा शनवारी है। अच्छा, तो शनवारी बहुत ज्यादा हो गया कराची में रेस्टोरेंट शनवारी। असली वाला, असली वाला कौन सा? असली वाला ये है? ये तो इनके कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे, इतना वेल ड्रेस हो। ये जब मेरा जमीला था ना, मैं अच्छा पहले जब कराची और अच्छा खेल रहा था, तब इनका ये पुल जो है ना लाल था, अभी काला हो गया। पेशावर को देख देख सो गए, सो गए, काला हो गया, जल गया। ये जो कोट है ना, ये मामूली कोट नहीं है। यहाँ बहुत से लोग सोच रहे हो ये कोट जो झुंडा बाजार का, एक्चुअली मेरा कजन होता है पेरिस में, वो जब आया था ना तो उसने मुझे ला कर दिया था किसी मरे हुए अंग्रेज किसी मरे हुए अंग्रेज आपका पंच भी मर गया झुंडा तो आपने कहीं हबीब बैंक प्लाजा के नाम से जाकर ठेले पे तो नहीं लिया आपके कजन ने कहीं? रजा साहब, आपने तय किया, आपने हमारी बात लाभ कर नहीं देना। खान साहब, आप अपनी मूछें क्यों पकड़ रहे हैं? खान साहब, अब निशान भाई ने गोंद सही नहीं लगाया, एक तरफ से नीचे आ रहे हैं। निशान भाई ने अपना मूछे लगाया तो बच्ची बेटा, आपके पेपर हो गए तो आप जा सकते हैं। आपका हो गया पेपर? नहीं, बस थोड़ा सा आपसे एक सवाल है, क्योंकि इतने जहीन आदमी और मैं न्यूज बात कर रहा हूँ आपके लिए, बात सच है कि अपनी बीवी, अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है, अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो घबराहट शुरू हो जाती है। आप अपने घर का बात क्या बता? मैं तो बैचलर हूँ, मैं तो उनकी तो शादी नहीं। बैचलर खान साहब अभी तक नहीं, कभी तक रहेंगे ये। सर, मुझे कभी किसी ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया, मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। अच्छा, कसम से सर, आई एम स्टिल बैचलर। आखिरत तो मार देंगे आप किसी की अगर चले गए। आई एम शदीद कुवारा सर, मेरे रूम की तो बेडशीट भी डबल है, बस एक नहीं सिंगल हूँ। आपको किसी दिन कोई उठा के ना बाहर? खान साहब बताए ना यार, रिटायर हो गया, इसका कोई इलाज नहीं, इधर उधर से इलाज करे भी नजमाबाद भी इधर उधर से, लेकिन अभी उन्होंने बोला। अच्छा, सारे एड्रेस पता है आपको? तो बोला कि नहीं नहीं, ये काम उजमी ये करते रहे खान साहब, मुझे लग रहा है जी, बता रहे हैं सारे एड्रेस तो पता है उन्हें कहाँ कहाँ। खिदमत करने में क्या बुराई है? अभी एक इंसान अगर प्रॉब्लम में है तो उसका इलाज करने में क्या मसला है? आप बड़े रहमदिल हैं यार खान साहब, सर में दर्द है तो सर के गोली मोली दे। आप बड़े रहमदिल हैं खान साहब, लेकिन अभी हम आपसे बात करते हैं। इमाद वसीम ने अहमद 50 रन मुकम्मल कर लिए, जो बॉलिंग में उन्होंने रन दिए थे वो अब उन्होंने लगता है कि बैटिंग में उसको कवर कर रहे हैं। सर, एक छक्का बड़ा प्यारा मारा, बाप रे, तो बहुत अच्छा छक्का, छक्के ने आके शिकायत की है। और शुएब मलिक उनके साथ है, आप जो है ना लगता है कहीं किसी दिन अंदर हो जाएंगे आप। जी ये अंदर ही है, रहनी तौर पे आपको पता नहीं है, मुझे पता है, मैच में तो नहीं अंदर कहीं, ये ना समझे। अच्छा अहमद, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? ऐसा है कि इमाद वसीम का रोल जो है कराची किंग्स की बैटिंग में आज के स्पेशली कम्बिनेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यही कम्बिनेशन आगे भी ये चलाएंगे तो इमाद वसीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी, ना सिर्फ बॉलिंग में बैटिंग में भी। स्पेशली आज की इनिंग आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, बिकॉज जिस सिचुएशन में वो अंदर आए थे और उस पर 30 बॉलों पर 50 रन उन्होंने लगाए और मैच को अलाइव रखा है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको इतना ऊपर नहीं जाने दिया कि मैच से बिल्कुल बाहर हो जाए, इवन दो बहुत विकटें गिर गई थी। सो क्रेडिट उनको जाता है कि मलिक पे ज्यादा प्रेशर उसने आने नहीं दिया और जो है ना खुद 30-31 बॉलों पे उस सिचुएशन से 50 किए हैं। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा थ्रू आगे आने वाले मैचेस में इमाद के लिए और कराची किंग के लिए। यही नहीं खुर्रम, शुएब मलिक, हम पहले भी 5 बजे वाले शो में बात कर रहे थे कि एक सीजन कैंपेनर फुल्ली फिट 41 बरस की उम्र में अभी भी 35 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों पर, 3 चौके और 1 छक्का, और जिस तरीके से वो अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए इमाद वसीम को साथ लेकर चलने, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन अगर क्रीज पर मौजूद हो आप दोनों जानते हैं, तो फिर कितना हौसला दूसरे साइड पर खड़े हुए बैट्समैन का बुलंद हो जाता है? नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं, और मैंने आपको ये बोला था जिस तरह की अब वो पिछले 4-5 साल जितना वो कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं और हर प्रेशर वाले मैच में, स्पेशली नॉर्मल मैच में फिर अक्सरियत में इनको देखा है कभी ये आउट हो जाता है, मगर जो क्रंच मैच होता है या जिस मैच की वैल्यू होती है कि इस मैच से प्लेऑफ में जाना है या ओपनिंग मैच है या ऐसा मैच जो बहुत ज्यादा टसल वाला चल रहा हो, तो उसमें शुएब भाई की परफॉर्मेंस देखने वाली होती है, और अभी भी वही रोल कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इमाद को स्ट्राइक दें और इमाद बाउंड्रीज का चांस ले रहा है, तो देखें ये पार्टनरशिप कितनी डेवलप करती है। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 5 ओवर्स में अगर देखा जाए तो अब 61 रन की जरूरत है फतह के लिए कराची किंग्स को, और
कराची जो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं शोएब मलिक और उनके साथ इमाद वसीम, तो लग यही रहा है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा अगर कोई विकेट नहीं गिरती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 क्रिकेट का मेला जो जारी रहेगा 19 मार्च तक, और आज कराची में इस मेले का पहला मैच खेला जा रहा है। कल पहला मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और आज कराची मेजबान है। चार ओवर्स में अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप 100 रन की हो चुकी है, 46 रन पर चार विकेटें गिर गई थी कराची किंग्स की, लेकिन अब शोएब मलिक और उनके साथ इमाद वसीम क्रीज पर मौजूद है। चार ओवर्स में 53 रन की जरूरत है, अब देखते हैं होता क्या अगर दोनों ये क्रीज पर जमे रहते। आप लोगों ने कभी मैच देखा है क्रिकेट का मैदान में जाकर अपने पैसों से? आपको इतना देख लेते हैं जरूरत नहीं पड़ती। अपने पैसों से टिकट खरीद कर देखा है कभी? अपने पैसों से कराची वाले क्या खरीदते, कुछ भी नहीं। आपने कुछ खरीदा कभी? नहीं। आपने खान साहब मैच कहा देखा है जाकर? मैंने मैच अभी स्टेडियम में। कैसे? ऐसे ऐसे करके देखे। फिर वो मैच, फिर वो मैच नहीं होगा। हाँ, फ्री में। हाँ, फ्री में ना। तो आप पैसों से क्यों नहीं देखने के लिए? पैसे तो नहीं चाहिए कि बंदा बोले कि मैं तो मैं देख रहा हूँ, मेरे को पैसे दो। हम क्यों पैसे किसी से लेगा भाई? तो कहाँ आप बाहर खड़े थे, पुलिस वाले ने मारा नहीं आपको? ऐसे देख रहा था मैंने, हम VIP इन्क्लोजर के अंदर बैठा था। लेकिन खान साहब ने चश्मा लगाया हुआ, इनकी आंखें बड़ी कम लोग होते हैं जो चश्मा लगाते हैं। खान साहब आंखें आपकी कमजोर तो नहीं होती? नहीं, ये दूरबीन वाला चश्मा है ना, ये हम जब देखते हैं ना तो करीब करीब से सब नजर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आज वैसे भी 14 फरवरी थी। और देखें अभी जब आप लोगों से गुस्तू कर रहे थे कैच भी ड्रॉप हो गया है, तो आप किस्मत बहादुरों का साथ। तो बातों में लगाओ, बातों में लगाओ। क्यों बातों में लगाओ? आए कराची वाले आज जीत गए ना, असल में हम चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्या बांटेगा अगर आप जीत गए पेशावर दल में? हम दुआ दुआ और जेब से कुछ नहीं खर्च करेगा। दुआ तुम कर दोगे? दो तो मैं दो तुम का दो। हाँ, या दुआ दुआ क्या हो गया? क्या क्या रहे तुम यार? ये कराची में इतनी धूल मिट्टी हो गई है मिर्जा साहब, यकीन करें दमे के मरीज ठीक हो गए हैं। आते हुए इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी। ये कराची के बारे में कोई मैसेज देना आपके, हमारे यहाँ जो सफाइयाँ हो मिर्जा साहब। हम दोनों से पूछेंगे, महम और खुर्रम तो यही घूमते हैं ना। हाँ जी, बताए ना, ये बताइए। खुर्रम भाई की स्किन तो बड़ी प्यारी, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी स्किन है। अच्छा, ये मेरी एक बात, साबुन के कमर्शियल में मर्द हजरात को क्यों नहीं लेते? क्या हमारी स्किन पर साबुन झाग नहीं बनाता? खुर्रम भाई के बाल बड़े अच्छे होते, कुछ छोटे करा लिए, लेकिन आज से पाँच साल पहले खुर्रम भाई के बाल। जी जी जी। और अच्छा, इसकी भी एक कहानी है, मैं बता दूं इनके। नहीं नहीं, अच्छा मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बताएं प्लीज बताएं। इनके वालिद जो थे मंजूर खान मरहूम, जी जी, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनके बाल नहीं थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि खुर्रम के बड़े बाल हों, इसलिए जब खुर्रम क्रिकेट में आया तो उसके बड़े बाल रखे। बात सही कर रहा हूँ? लेकिन आप ये देखिए, बाल तो ये गंजे आदमी की भी क्या जिंदगी। गंजे आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उस पर सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे हुए? विग में, विग। अच्छा ये बताइए, सफेद बालों वाले बंदे से आप सवाल क्यों करते हैं? जवाब ये सवाल नहीं है, आप हमारे सवाल कर रहे हैं। आप सीनियर आदमी, यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर मार देते हैं। यू आर मोस्ट एजेंट पर्सन, क्योंकि तारीफ बहुत जरूरी है, क्योंकि पंच बोलना भी जरूरी है। अच्छा। ये बताइए, सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की दो दिन हंसकर बात कर ले तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है? इस दौरान एक छक्का भी लग गया। अरे आप मेरे छक्के से मीटिंग। कराची कराची जीत जाएगा, ये गेम कराची जीत जाएगा माशाल्लाह। क्या कहते हैं खुर्रम भाई? यार मैच 50-50 आउट हुआ तो बहुत। अच्छा शहजाद भाई, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत है। शहजाद भाई, एक्सक्यूज मी, आई लव यू सर। मेरा अटेंशन सर, आपकी खूबसूरती की तारीफ की है। यू आर सो हैंडसम। अगर मैच ही देख रहे थे यहाँ क्यों आए? ग्राउंड चले जाते। तो बात इतनी सी है कि आप लोग सारे लगे हुए, कोई एक तो मैच भी देख ले कि जो कल को अभी बात करें तो मैं जवाब तो नहीं अभी जवाब देंगे। आप 19 बॉलों पे 42 रन चाहिए, कराची जीत जाएगा। देखिए ये अभी जिस तरह खुर्रम भाई ने बोला कि ये अब इनको हर बॉल पे ट्राई करनी है, तो जो अभी जो कंसोलिडेट वाला पीरियड था ना वो खत्म हो गया, अब आके आपको शॉट्स मारनी है, अब विकेट के भी चांस है। लेकिन जैसे ही एक ओवर अच्छा मिल गया, निकाल लिया इन्होंने 17-20 का, तो कराची वैसे ही मैच इजीली ले लेगा। लेकिन अब ये है कि ये
अगले 12 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट साहब। आपकी नब्स चल रही है कि नहीं चल रही? आपने क्या करना है? इसलिए कि पेशावर जलनी की हालत तो चाहते कि पेशावर आ जाए, कोई मसला नहीं है। हमें हमें कोई बात नहीं, हमें खुशी होगी। कराची में रहते हैं ना? अच्छा, ये पहले करो ना आप, फिर बनारस कॉलोनी नहीं जाएंगे खान साहब? नहीं नहीं, बनारस में नहीं, हम इधर DHA में रहते हैं। अमीर आदमी है ये, अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी भाई, माशाल्लाह। हमारा नाम अमीर खान है ना? हाँ, जानते हैं हमको। कल तो नाम नहीं बता रहे। हमारा नाम पूरा अमीर खान का अचकज़ई है। अमीर खान अचकज़ई? हाँ, अचकन जई है, अचक जई, अचक जई। अच्छा, मैं समझा अचकन, अचानक जई हो सकता है। अचकन जब हम इनका वाला चल पड़ेगा, फिर हम अचक अचकन जई हो जाएगा। अच्छा, कुछ पैदाड़ी क्यों इतना बड़ा हुआ है बरकत भाई? ये थोड़ा गम है मुझे, थोड़ा गम है। कौन सा वाला? बबल वाला? ये अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो गम दूर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक साइन नहीं हुआ? नहीं, मजाक कर, हो गया माशाल्लाह, हो गया। बोल के कवर जल्दी से करते यार। तो भाई ये समझ रहे हैं, ये लैपटॉप रोक रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, क्या हो गया? कुछ अच्छे पूछे ना। ये बताइए, जो बिल्ली होती है इसकी चार टांगे होती है, तो लड़कियां दो टांगों पर कैटवॉक कैसे करती हैं? मुश्किल सवाल। वो जो दो होती है वो शायद दिखती नहीं है। दो जो है ना, दो रुवानी टांगे। अच्छा, आप अपनी मूंछों पे तवज्जो। आप मूंछों पे तवज्जो। अच्छा, बताइए मेरे साथ, दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा? हमारी कौम को रखना है दिल पे, दिल पे रखने वाला पत्थर। सुल्तानी टाउन के आगे से जाकर पहाड़ों की तरफ। वाह 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 वाह, यही तो आपकी बातें हैं साहब। अब देखें, 42 रन रह गए 3 ओवर में, क्या कहेंगे? 42 रन 3 ओवर। मैं तो आपकी सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। लेकिन आप भी तो कुछ कहें ना, ये क्या बात हो गई? मैच क्रच होता जा रहा है, मगर अब वही वाली बात के आप ऑलमोस्ट हर बॉल पे आपने बड़ी हिट का चांस लेना है, क्योंकि नीचे आपके पास कटिंग जैसे बैट्समैन है जिसकी स्ट्राइक बात ही थोड़ी मारना शुरू कर रहे हैं। अब तो चांस छोटा हो गया ना, छोटा हो गया, अब मैच छोटा कर दिया उन्होंने, तो अब ये 17 बॉलें तो रह गई। कल वाली सिचुएशन नहीं है, नहीं है। तो अब ये है कि हर ओवर में जो है ना दो बाउंड्री, मतलब ओवरऑल अगर 6 बाउंड्रीज लगा दी 18 बॉलों पे कराची किंग ने, तो कराची किंग जीत जाए। महम क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन में? 17 गेंदों पर 41 रन चाहिए, 18 रन इट्स क्वाइट गेटेबल। अगर वही एक दो ओवर 17-14 रन के निकल जाते हैं तो कराची किंग्स की फेवर में मैच आ जाएगा। और अभी वहाब रियाज का भी एक ओवर बाकी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। अगर इसमें 9-10 का ओवर निकल गया तो ठीक है, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैच कराची किंग्स की फेवर में जा सकता है। सलमान इरशाद की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह हम खुर्रम 5 बजे में और आप अहमद शहजाद बात कर रहे थे, अच्छे रिदम, हाइट है और पेस को चेंज करता है, डिसीव करने की कोशिश करता है। आप अभी देखें, इसलिए अभी तक उनको हिट नहीं लगी इस ओवर में, जबकि वो हर बॉल पे ऑलमोस्ट चांस ले रहे हैं, मगर उनका जो वेरिएशन मैंने आपको जैसे बताया ना, एक चीज उन्होंने डेवलप की है कि लेंथ के जरिए वो आप अपने स्लोवन को चेंज करते हैं ताकि बैट्समैन डिसीव हो, तो इसलिए अभी तक हिट नहीं लगी। मगर 4 बॉलें स्टिल बाकी हैं, देखें उनको तो बाउंड्री चाहिए ऑलमोस्ट हर बॉल पे। और जिस तरीके से इमाद वसीम ने छक्का मार दिया, इमाद वसीम ने छक्का मार, मैंने आपको ये कहा ना, बोला वो तो हर बॉल पे ऑलमोस्ट चांस। आपका क्या होगा आज फिर? हमारा आज निकाह होगा 12 बजे। क्यों, पहले हो क्या, दोबारा करेगा क्या? क्या हुआ, हम मुसलमान आदमी कितने भी कर सकते हैं भाई जान, इसमें क्या बस? तो घर नहीं जाएगा वापस? पहले घर ही तो जाएगा, पहले वाले के पास नहीं जाएगा मेरी भाई जान, उसके बाद हम घर जाएगा, उसके बाद हमने और किधर जाना है? निकाह के बाद सीधे इंसान को घर जाने चाहिए, घर जाना। हमारे टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो फिर देखो, जो पहले वाली है वो पिटाई शुरू कर देगी। नहीं, वो पहली वाली, तो दूसरी वाली है। अच्छा, वाली दूसरी की दो ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरा निकाह की दो नहीं हुई है, दो नहीं, तीन हुई है, वो कागजी कार्रवाई भी है, बस दो पुरानी हो गई है, एक नई हुई है। अच्छा, तीन या चौथी हुई है। अच्छा, ऐसा लड़का जब किसी लड़की को प्रपोज करता ना, या तो लड़की इंस्पायर हो जाती है या फिर 1000-2000 की मदद करके चली। तुमको बोला किसने कि हम लड़के? यार ये सिर्फ लड़की की बातें करता है, इसके अलावा और कोई बातें नहीं। लड़का ऐसा लड़की की बातें करता है? बातें करते हैं खान साहब जी, बस देखो 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 इसके दिमाग में क्या है खान साहब, जरा चेक करें आप। नहीं नहीं, दिमाग दिखाओ घुटनों में आ गया। अच्छा खुर्रम भाई, आपने क्रिकेट खेली, लड़कियां बड़ी क्रेजी फैन होती हैं, तो कोई ऐसा वाकया जो यादगार हुआ? शायद आपसे भी सवाल। अच्छा भाई, तो बड़े खूबसूरत प्यारे आदमी है, क्यूट आदमी, क्रेजी फैन मूवमेंट जो लड़की लगाओगे प्लीज, दिस इज अचीवमेंट। आप नहीं कर रहे हो? नहीं ऐसा, सच्ची बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर होती है फैन, फोन आते हैं, फील्डिंग करते हुए खास तौर पे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, और आप ज्यादातर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ही होती है चीजें, देखने में भी आता है, ग्राउंड में आ गए फिर उनको
पुलिस वाले पकड़ते हैं तो ये चीजें वहीं दिखती हैं। यहाँ अक्सरियत में कहाँ होता है, आपने देखा होगा, एशिया में तो नहीं होती। बस ठीक है, अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 13 गेंदों पर 30 रन चाहिए, अब देखते हैं क्या होगा। ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। कराची किंग्स जिस तरीके से इमाद वसीम और शुएब मलिक बैटिंग कर रहे हैं, फतह के नजदीक आ गई है, लेकिन अभी भी 13 गेंदे बाकी और 13 गेंदों पर क्या होता है इसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगा दे HBL PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की HBL PSL 8 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन, और जहां जोश की बात हो तो इस वक्त पूरा जोश जागा हुआ है कराची किंग्स की टीम में, क्योंकि अभी भी कराची किंग्स के कप्तान जो है इमाद वसीम वो क्रीज पर मौजूद हैं, और अभी विकेट गिरी है शुएब मलिक की, तजुर्बाकार शुएब मलिक आउट हुए। अब 10 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और देखते हैं कि इन 10 गेंदों में क्या इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। अहमद मुख्तसरन बताइए आप क्या देखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अचीवेबल टारगेट है और जो ये ओवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये चार बोले भी जो पड़ी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चार बोले हैं, ये मैच का पासा डिसाइड कर देंगे। बेन कटिंग आए हैं फोरम, बेन कटिंग जो है ये बैटिंग जारहाना अंदाज से करने के लिए, जो रेपुटेशन है ना उसके हिसाब से ये इतना परफॉर्म किया नहीं है PSL में ऑनेस्टली, मगर आज के मैच में देखें और आउट हो गए, वो पहले बोला और वो आउट हो गए। बेन कटिंग ड्रॉप कर दिया। आज ऐसा लगता है कैच छोड़ने का मुकाबला हो रहा है फील्डर्स में। पिशावर जलमी के खान साहब से पूछूंगा आज, ये दोनों टीमों से कैच बहुत गिरे हैं दोनों ने पहली रीजन क्या समझते हैं आप, कैच ड्रॉप क्या लाइट की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंट, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कभी आप ओवर रन भी कर जाते हैं, ये तो मुझे ऐसा लगा ओवर रन किया निशम ने तो, मगर वही वाली बात है कि प्रेशर भी होता है। अभी ये प्रेशर कैच था क्योंकि हिट का टाइम है और बैंक कटिंग का कैच था, तो देखते ही इन्हें कैच भारी ना पड़ जाए क्योंकि इस टाइम पे इस तरह के बंदे का कैच गिर जाए तो वो डैमेज करता है। हम क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन में, दिल की धड़कन कम और ज्यादा हो रही होती है, खासतौर पर बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट विकेट हो अगर कैच ड्रॉप हो जाए, क्या हालत होती है बॉलर? ये इजी कैच था, ओवर रन किया। आई थिंक इस सिचुएशन में ऐसे कैचेस ड्रॉप करना मतलब कि आपने मैच ड्रॉप कर दिया, और जिस तरह की वहां पर आज बॉलिंग कर रहे हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट आई थिंक एक बहुत गलत टाइम पर उन्होंने कैच ड्रॉप किया है। अहमद वहाब रियाज ने इस ओवर में सेकंड लास्ट ओवर ज्यादातर स्लोअर डिलीवरीज की है और बहुत बाउंड्री छोड़ी है ज्यादातर। जी चौका तो लग गया, आप लगता है चौके में खो जी, मैं आपका चौका लग गया और अभी भी जो है वो उनको जीतने के लिए 17 रन चाहिए और आप ताली कौन बजा रहा था? आप मैं बजा रहा खान साहब, ये क्या हो रहा है यार, कराची ने चौका मारा है सर। भैया चौका मारा है तो खुश तो होना दो ना, आप नहीं हो रहे हमारा गम से है तो कमूछ निकल रहे अभी आप भी निकल जाओगे हाँ थोड़ी देर में हम भी निकल जाएगा, क्या फायदा हर कैच जो है ड्रॉप कर रहे हैं इनके लिए तो ABCDA भी अलग से बना। तो आप जाके इनसे मिले ना, इनको बताए इनको छोड़िएगा नहीं खान साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। 8 बॉलों पे 17 रन आप इनको छोड़ देंगे? A for all, B for ball, C for catch, D for drop. ये आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे पड़ोसी को? ई फॉर क्या होते हैं? आप इंग्लिश जितनी भी बोलो ख्वाब उर्दू में ही आएंगे, बेफिक्र हो। नहीं हमारे पास पश्तो में भी आते हैं। अच्छा बंदे को इतना भी पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नहीं होना चाहिए कि सामने कुत्ता आ जाए और आप हुश हुश की बजाय करें एक्सक्यूज मी, दिस इज एजुकेशन। आपने किया है कभी? यार अल्लाह का शुक्र है मैंने किया है, मनीषाद में नहीं। आपने कभी कुत्ते के सामने ऐसे कहा? आज मौका मिले उसके बाद कितने इंजेक्शन लगे, कितने इंजेक्शन लगे उसके बाद आपको कुत्ते को? मुझे कुत्ते ने काटा उसके दांत ही नहीं थे, फिर मैंने इंजेक्शन लगाई बगैर सुई के। इतने काबिल आदमी खान साहब कहाँ छुपा के रखा था? मैंने नहीं छुपाया था, खुद ये छुपा छुपाया है। कहना मैंने नहीं छुपाया, आपको देख के तो वो छुप जाता है। हालात हालात ऐसे हो गए आज के दौर में, अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए कम से कम 1.5 किलो गोश्त खरीद के दो फिर जान छोड़ेगा। ये सिचुएशन आपको दूंगा। एक और विकेट गिर गई है, 183 रन पर
पांचवी विकेट गिरी है और आउट होने वाले बैट्समैन बेन कटिंग है जिनका के कैच ड्रॉप हुआ था। अभी भी 17 रन की जरूरत है और मैच बड़ी दिलचस्प। इकबाल भाई यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बाबर रियाज की जो बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, देखें हर बंदे का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, पीएसएल में टॉप विकेट टेकर है बाबर रियाज की, यही मैं बोल रहा ना, तो उसका डिफरेंस पता चल रहा है। उसने नो बॉल होगी, देखिए अहमद और खुर्रम आप लोग आप कुछ कहे ना, समझ नहीं आ रही, जो प्रॉपर बॉल उस पर कैच नहीं कर रहे हैं पड़े, आपको पता है ये अपने भाई के साथ, ये अपनी बहन के साथ ड्राइविंग कर रहा था ना, तो उसकी बहन जो है ना कटिंग मार रही थी, उसने कहा बहन कटिंग नहीं मार रही, कहना बहन कटिंग पड़ गया। आप तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह होकर आए, वो करनी है, ये तो हमारे मशरती उलूम में इसका सबक था। आप आपके पश्चिम में माशरत किसमें था मशरती उलूम सर, 6 आ गया ना इस बॉल पे, 7 गेंदों पर 16 रन चाहिए और ये फ्री हिट भी मिली है। ये क्या बात हुई, आती नहीं होते 7 गेंदों के ऊपर 16 रन क्यों चाहिए? आपको मैंने दवाई लिख दी, आपको कमजोरी नहीं होगी, मैंने लिख दी। सांसद जी आदमी क्या है भाई, ये वो है ना टीम है सर, मेरे बैटरी के पेपर हो रहे हैं, आप लोग आराम से बात करें प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सांसद जी मुझे कुछ बैका बैका लगता है यार। नहीं नहीं बैका नहीं है, ये बिका हुआ ये टेक है। सांसद एक सवाल, एक्सक्यूज मी मिर्जा साहब, ये सवाल, ये सवाल को रोके, ये अगर ख्वाब में शादी हो जाए वलीमा दिन में रखना चाहिए रात में, सवाल को रोके शाम में, कैसी बातें करते हैं यार, ये कैसी बातें, नहीं ये रूल चेंज हो गया, यहाँ दो शो चलेंगे, वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, लिखा आगे बैठ देखो, 7 गेंदों पर 16 रन की जरूरत है। ओ माय गॉड, बाब रियाज ने की है और आखिरी ओवर में 16 रन दरकार है, क्या कहेंगे अहमद, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए बहाब ने बहुत क्रेडिट जाता है, बहाब ने जिस तरह शर्जील का भी विकेट मिला उनको फ्लैट ट्रैक पे, जिस तरह उन्हें पेस की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, वो एक बड़ा की विकेट था। उसके बाद बहुत क्रूशियल जो ओवर था वो ये था जिसने मैच को डिसाइड करना था कि किस तरफ जाएगा, और उस पर अंडर प्रेशर बहाब रियाज ने जो डिलीवर किया, इट शोज दैट एक्सपीरियंस हैज लोन लिमिट, और उन्होंने दिखाया कि वाई ही हैज 103 विकेट इन पीएसएल एंड ही इज रियली वर्किंग हार्ड, और इस मैच के बाद वो अपना केस और स्ट्रॉन्ग करेंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। कमजोर हो जाएगा फिर सर, आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना मुझके अच्छा है, और एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, आमिर इज अ स्विंग बॉलर, एट द सेम टाइम अगर आप वहाब रियाज को देखें तो ये फ्लैट ट्रैक पे जहां पे कुछ नहीं मिल रहा होता बॉलर्स को, वहां पे ये बल्लेबाजों को क्वाइट रखते हैं, ये स्ट्रेंथ है। खुर्रम अब चुके इन्होंने मुकर्रा वक्त में ओवर्स नहीं किए, तो अब आखिरी ओवर में जो नए रूल्स के मुताबिक 5 फील्डर जो हैं वो दायरे के अंदर रखे जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं और आखिरी ओवर कौन करेगा? खुर्रम शहजाद, खुर्रम शहजाद की ऑप्शन दिख रही है, साकिब की लग रही है, तो साकिब को, शकीबुल हसन, साकिबुल हसन को तो नहीं देते मेरे ख्याल से, ये खुर्रम शहजाद पे चांस लेंगे, मगर वो ऐसा बॉलर नहीं है, इतना एक्सप्रेस बॉलर नहीं है जिसपे आप बोल सके नहीं यार मैच वो इजिली निकाल देगा, मीडियोकर टाइप बॉलर है, पेस नहीं है, अच्छा, नया बॉल पे डेंजर। आप होते खुर्रम भाई बैटिंग पे आप क्या स्ट्रेटजी? नहीं ऑब्वियस ही बात है, बड़ी हिट पे चांस लेते क्यों नहीं, और ये चेजेबल रन है, ये 16 रन इसमें बनते हैं, और आखिरी ओवर खुर्रम शहजाद ही कर रहे हैं जो हमने कहा था, क्या कहेंगे आप? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बन जाएंगे, मुझे लगता है, मुझे भी ये लग रहा है बन जाएंगे, क्योंकि कटिंग भी है, उनका कैच भी ड्रॉप हुआ है, और वो हिट मारने पे तो उनकी लगती भी, और फ्लैट ट्रैक है, अब इधर ये देखना कि वेरिएशन कितनी यूज करते हैं, अगर एक ही लाइन लेंथ पे एक ही पेस पे बॉलिंग करेंगे तो आराम से लग सकते हैं, इधर वेरिएशन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वहाब ने वेरिएशन इस्तेमाल की थी और उसकी वजह से यहाँ तक आया ना, सिर्फ 7 रन बने उस ओवर में, 2 ओवर में 13 रन चाहिए, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया कि यहाँ पे प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते, उनका कहने का मकसद है कि वेरिएट जरूर करना है, जब आप वेरिएशन करते हैं तो बैट्समैन के जहन में 2-3 बॉल चल रहे होते हैं जिसपे उनकी जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, जो कि यू नो छिक्का और आउट में वही एक चीज है, तो यू नो बहुत वैलिड। खुर्रम कल का मैच भी आखिरी ओवर तक गया, बल्कि आखिरी गेम तक गया, और आज का मैच भी, तो इससे लगता है कि पीएसएल जो पाकिस्तान का ब्रांड है उसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत जबरदस्त है, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई बोलते हुए कबाड़ नहीं है कि आपकी जो पीएसएल ब्रांड है इसमें क्वालिटी का जो क्रिकेट की जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर दिखेगा, किसी भी लीग से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और आखिरी ओवर है, 16
अर्ज दरकार हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे और हमारे जो कमेडियंस हैं इनकी भी राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जोश जगा दे HBL TSL 8 एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे और जोश अपने नुक्ते उरूज पर, HBL TSL 8 का मुकाबला, दो गेंदों पर 10 रन दरकार कराची किंग्स की टीम को। बेशुमार गलतियां की है पिशावर जलमी ने, लेकिन इसके बावजूद अब भी दो गेंदों पर 10 रन दरकार, एक चौका एक छक्का, अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल नहीं हुई। खुर्रम क्या कहेंगे आप, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ये। मैं मजेदार मैच हो रहा है कल भी और आज भी, मैं लग रहा है कि क्रिकेट हो रही है। सबसे अच्छी चीज है जीते, ये जीते या वो जीते, मेन चीज है क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। लेकिन अहमद जिस तरह से खुर्रम शहजाद ने ये ओवर किया है, आप फिर भी उनको क्रेडिट दें, 16 रन चाहिए मेरे ख्याल से। दो नो बोलें उसने कर दी है और वो तो इमाद वसीम मिस कर गया, ये दोनों दफा फ्री हिटे भी और नो बोलें भी। इससे ज्यादा चांस मिल नहीं सकता था आखिरी ओवर में कराची किंग को। जिस तरह का ओवर इनको ये मिल गया, जितनी नो बॉल्स हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत लकी रह गए यहाँ पे पिशावर जलमी के, यहाँ पे इस ओवर में वो डिफेंड कर गए। अदरवाइज ये कराची किंग को दो नोबलों के साथ 16-17 स्कोर जो है इस पिच पे वो अचीव करने चाहिए थे। आखिरी गेंद पर अगर छक्का भी लग जाता है माहम, फिर भी 2 रन से जीत जाएगी पिशावर जलमी की टीम। और पैर पे गेंद लगी है, कितना जोरदार स्ट्रोक था, लगता ही है कि खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर ना हो जाए। आप कैसे देखेंगे? नहीं, बॉलर बैक जब लगी बहुत जोर से, लेकिन ये जो लास्ट ओवर खुर्रम शहजाद ने करवाया, आई थिंक ये लकी रहे हैं कि उन दोनों बॉलों पे हिट नहीं लगी, वरना उन दोनों बॉल्स पे अगर हिट लगती तो मैच अभी खत्म हो चुका होता। और ड्यू फैक्टर है, नो डाउट बॉल स्लिप होता है, लेकिन उसके लिए प्लान भी होना चाहिए, और लकीली उस पर शॉर्ट्स नहीं लगे, वरना अभी रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, खुर्रम यहाँ लग रहा है दोनों बॉलें रन वाली थी, हिट वाली थी, नहीं लगी ये वो वाली बात, किस्मत उस तरफ जा रही है। किस्मत अब यहाँ पे इमाद वसीम देखें, एक होती है परफॉर्मेंस करना, इनिंग खेलना, एक होता है अपनी टीम की बेनिफिट में इनिंग खेलना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो मैच जितवा देते अगर, तो उन्होंने आज हीरो बन जाना था अपनी टीम के लिए एज अ कैप्टन। क्योंकि हम यही बात करते हैं कि आपकी इनिंग इस तरह की इनिंग हो जो टीम के काम आए, इवन दो, लेकिन बहुत अच्छा मैच को यहाँ तक लेकर आने का क्रेडिट इमाद वसीम को जाएगा। सिचुएशन में वो अंदर आए थे उसमें वो यहाँ तक लेके आए, लेकिन वो जो एक एंड वाला तड़का होता है ना किसी भी चीज का, कि जो फाइनल टचेस, वो अगर यहाँ पे वो डिलीवर कर देते जो कि चांस मिल गया था, तो एक अलग बात होती। गुस्सा छोड़े, अब देखिए आखिरी गेंद जो है वो उनके, हालांकि चोट लगी है, लेकिन उसके बावजूद आखिरी गेंद खुर्रम शहजाद ही करेंगे, और इमाद वसीम अगर छक्का भी लगाएं, दुआ करेंगे नो बॉल हो जाए, वाइट बॉल हो जाए। उम्मीद तो यही है कि नो बॉल के बगैर ये बॉल डिलीवर होगी। बॉल स्लिप हो रहा है उनके, आज से कुछ भी हो सकता है, स्लिप वापस हो जाए आखिरी बॉल पे भी, लेकिन क्रेडिट जाएगा इस नौजवान खुर्रम शहजाद को, कुछ भी है नो बॉल। देखे ना आप उसने जिस तरीके से मारा है, लेकिन नो बॉल चेक होगी, हो सकता है फिर भी 2 रन से जीत गया, और इस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और इस मैच में 2 रन से कामयाबी हासिल की पिशावर जलमी की टीम ने, और इस तरह पिशावर जलमी ने 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। गुज़िश्ता बरस की अगर आप HBL TSL पर नजर डालें तो कराची किंग्स की टीम जो थी 10 में से 9 मैच हारी, सिर्फ एक मैच जीती थी, लेकिन यकीनी तौर पर आज का मैच एक यादगार मैच है। हम अपनी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन कल शाम 5 बजे अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स, मैं साबित तो नहीं कहूंगा, दोनों खेल रहे टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।